हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 10 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस यानी नेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब बात करें कि इसे सबसे पहले कब मनाया गया था, तो सन 1949 में इसे सबसे पहले मनाया गया था, क्योंकि 9 जुलाई सन 1949 में विद्यार्थी दिवस की स्थापना हुई थी, तब से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स एग्जाम में एक डे से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए, कल के वीडियो में हमने बताया था कि खेल मंत्री भी बदल गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर खेल मंत्री को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी अपडेट होते हैं, ठीक है, मंत्रियों को लेकर, तो उनसे रिलेटेड आपका डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कंपलसरी। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए, इन्होंने किन की जगह ली है, तो रमेश पोखरियाल की जगह ली है। ये क्या थे पहले? तो ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्टील के मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये हमारा कौन बन गए हैं? तो बासिल राजपचे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, बासिल राजपचे सही हो जाएगा। ठीक है, महिंद्रा राजपचे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब जब भारत में किया जाएगा, तो इसका अगर बात करें टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट, तो ये कब होगा? तो टूर्नामेंट हमारा जो होगा 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होगा। ठीक है, 6 फरवरी के बीच आपका टूर्नामेंट होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो किस देश का हो जाएगा? तो हमारा जापान। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब बात करें, देखिए, अब इसका मतलब क्या है शक्तिशाली? तो यानी हमारा जापान जो है फर्स्ट नंबर पर है इस इंडेक्स के अनुसार, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, 2021 के अनुसार जो इंडेक्स जारी हुआ, हमारा जापान देश टॉप पर रहा है। किस पर? टॉप पर, यानी फर्स्ट पर रहा है। बात कर ले सेकंड पर कौन, तो देखिए सेकंड पर जो हमारा रहा है वो सिंगापुर रहा है। और बात करें थर्ड पर कौन कौन रहा है, तो थर्ड पर हमारा जर्मनी और जो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, तो देखिए दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नंबर पर रहा है। अब बात कर लें कि भारत कौन से नंबर पर रहा है, तो जो भारत है वो 90वें नंबर पर रहा है। अब बात करें सबसे ख़राब पोजीशन कौन से देश की रही है, तो जो सबसे ख़राब यानी 116वें नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ख़राब पोजीशन रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, इनकी पोजीशन जो है सबसे लास्ट स्थान पर प्राप्त हुए इस इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। भारत भी पूछ सकता है कि भारत किस स्थान पर रहे, क्वेश्चन बन सकता है, तो 90वें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो कैसे चुना गया है? तो स्वानंद किरकिरे ने, किरकिरे को। ठीक है, तो स्वानंद किरकिरे इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए, जो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और जो कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री हैं, कौन है? मनीष, देख लीजिए, मनीष सियोदिया। ठीक है, मनीष सियोदिया ने ही इनको क्या किया है, उपाध्यक्ष चुना बनाया है। ठीक है, तो
क्योंकि इनकी भाषा और इनके बिहेवियर से बहुत ही लाभ हुआ है, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 7, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो विद्या बालन, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिफेंस एग्जाम। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।